प्रदेश में आगामी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिकों द्वारा अभी से राजनीति की बिसात बिछाई जाने लगी है। इसी क्रम में मंगलवार को चित्रकूट पहुंचकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए चित्रकूट के 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र को खनन मुक्त करने की मांग के साथ ही अयोध्या की तर्ज पर संपूर्ण 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग का विकास किए जाने की मांग करते हुए पदयात्रा शुरू कर दी गई है। 4 दिवसीय इस पदयात्रा का समापन सिद्धा पहाड़ पर धर्म समा आयोजन के साथ किया जाएगा। पदयात्रा कर रहे विधायक नारायण त्रिपाठी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि चित्रकूट भगवान श्री राम की कर्म भूमि है। हम प्रदेश और देश की सरकार से मांग करते हैं कि संपूर्ण चित्रकूट के 84 कोस को अवैध खनन से मुक्त करा अयोध्या की तर्ज पर इसका विकास किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 तारीख को सिद्धा पहाड़ पर साधु संतों की उपस्थिति में धर्म समा का आयोजन करते हुए आगे की योजना बनाई जाएगी। भगवान श्री राम के नाम पर की जा रही इस पूरी यात्रा के दौरान और भाजपा विधायक द्वारा की जा रही पदयात्रा होने के बावजूद भी स्थानीय भाजपाई कहीं नजर नहीं आए, जिससे एक मतलब तो साफ है, अगर राम अपने काम का ना हो तो कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ इस समय वैसे भी भाजपा से विधायक होने के बावजूद नारायण त्रिपाठी भाजपा के लिए ही सर्वाधिक परेशानी का कारण बने हुए हैं, लेकिन हाल फिलहाल तो बस एक बार फिर से राम के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है, जिसका गढ़ चित्रकूट बनता हुआ दिखाई दे रहा है।